संविधान तो ताक पे है भैया, संविधान ही तो खतरे में है, उसी की लड़ाई तो राहुल जी लड़ रहे हैं। आज राहुल जी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना भारत जोड़ो यात्रा में एक बूढ़ी महिला को गले लगाना, एक आम व्यक्ति को गोदी में उठाना, एक कितने 80-90 साल के बुजुर्ग पूरी यात्रा में पैदल चले, वो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते, लेकिन वो क्या बोले कि जब गांधी परिवार का वो बच्चा पैदल चल सकता है जिसके परिवार को, जिसकी दादी को, जिसके पिता को बम से उड़ा दिया गया हो, तो मेरे को भी पैदल चलने का दायित्व बनता है। और अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी है। कहां थी बीजेपी, कहां थी आरएसएस जो अंग्रेजों से मिल गई पीठ के पीछे, तब कहां बात आई लड़ाई लड़ने की? वाला कहते हैं कांग्रेस की वजह से देश पीछे चला गया है, नफरत दूर करने की बात की जा रही है। हरियाणा के लोगों में नफरत के तहत ही तमाम झुग्गियों को और जो घर थे दुकानें उन्हें दहाया गया है। ऐसी बुलडोजर की कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी की युवा कांग्रेस की सेना सड़कों पर रहेगी पूरे देश में, और है। कर्नाटक का रिजल्ट आपको बता सकता है कि जनता कितनी परेशान है भाजपा से, और बहुत जल्दी जनता इनको सच का आईना दिखाने का काम करेगी, क्योंकि राहुल जी ने ना माफी मांगी है ना माफी मांगेंगे। जो सच की लड़ाई लड़ता है उसको दबाने का कार्य आज से नहीं इतिहास से होता आ रहा है। तो राहुल जी को कोई नहीं दबा सकता और ना हम लोगों को दबा सकता है। भाजपा के लोग कह रहे हैं राहुल जी संसद में रहे या बाहर रहे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, नौटंकी करते हैं। मोदी जी कहते हैं घमंडिया है गठबंधन। भैया एक बात बताओ, घमंडिया आपको कौन आदमी लग रहा है? जो सड़कों पर है वो घमंडिया है? जो एक टी शर्ट में पूरी यात्रा पूरी कर लेते हैं वो घमंडिया है? जो आम बच्चे को गले लगा रहे हैं वो घमंडिया है? प्रियंका जी पूरे रोडों पे उतरी हुई है, यूपी में एक एक घर में खाना खाने जा रही है, मणिपुर में कांग्रेस सबसे पहले पहुंच के आंसू पोंछने का काम करती है उन महिलाओं का, तो ये पार्टी घमंडिया है? घमंडिया तो वो है जो कैमरे के सामने आने से डर रहे हैं, वो घमंडिया है। तो क्या घबराए हुए हैं क्या मोदी जी राहुल गांधी जी से? मोदी जी घबराए हुए थे, हैं और रहेंगे। उसका कारण ये है क्योंकि जब झूठ की दुकान आदमी चलाता है, नफरत की दुकान चलाता है, तो वो डरा रहता है, वो डर के ही रहेंगे। हमारे कांग्रेस पार्टी के सामने, कांग्रेस पार्टी को भैया कोई सत्ता का लालच नहीं है, राहुल जी को कोई सत्ता का लालच नहीं है, सत्ता का लालच भाजपा को है। इसलिए हम सच की लड़ाई लड़ेंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री एक अकेला सब पे भारी है करके राहुल गांधी सवाल करते हैं, क्या भाजपा सरकार इससे खौफ खाती है? बिल्कुल खाती है। तब तो राहुल जी को 2 साल के लिए पूरा षड्यंत्र रच के आपने पढ़ा नहीं क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? आपको दिखा नहीं कि क्या ताकतें फन फैला रही है, किस हिसाब से राहुल जी को दबाने का काम किया गया? राहुल जी पल भर के लिए भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि राहुल जी ने कहा कि मेरे को जनता की सेवा पद पे रह के भी मैं कर सकता हूं और बिना पद पे रह के भी कर सकता हूं। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि अब फिर से सदन में जो है कॉमेडी शुरू हो जाएगी राहुल गांधी। बीजेपी नेता खुद के पास कोई मुद्दा है नहीं, बुरा मत मानिएगा। बीजेपी प्रेस को खरीद कर उनकी वीडियो और ऑडियो को एडिट कर जिस हिसाब से उनकी छवि खराब करने का काम मीडिया करती है, बीजेपी की कठपुतली ये पुलिस प्रशासन और मीडिया बनी हुई है, बुरा मत मानिएगा भाइयों। राहुल जी कभी ऐसा कुछ नहीं बोलते, ये सिर्फ दिखाने का काम किया जाता है। राहुल जी तो सच की बात बोलते हैं, जिसको जिसका जवाब उनके पास कुछ होता नहीं है तो फिर वो खुद इस तरीके की कॉमेडी करते हैं। बीजेपी में बहुत कॉमेडियन है, नाम बीजेपी के अंदर बहुत कॉमेडियन है। किसी का व्यक्तिगत मेरे को नाम लेने का शौक नहीं, मेरे भाजपा डर लग रहा है, मेरे को किसी से डर नहीं लगता। मोदी जी सबसे बड़े कॉमेडियन है, कभी दाढ़ी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, मोदी जी कॉमेडियन है, मैं बोलती हूँ मोदी जी कॉमेडियन है। पांच नेताओं के नाम बिल्कुल, अमित शाह, नड्डा, नड्डा, शिवराज। अरे नड्डा कहाँ संसद जाते हैं मैडम? भैया नेता की बात हो रही है, जो संसद जाता है वही कॉमेडियन है क्या बीजेपी में? कि जो संसद में बैठेगा आप उसी को नेता मानोगे क्या? पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है, फिर जिम्मेदारी उनकी भी बनती है भैया, जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। हमको किसी से डर नहीं है, राहुल गांधी जी की सेना है, हम किसी का नाम लेने से नहीं डरते। लाखों का सूट सिलता है, उसके बाद कैमरे के सामने नामर्द हैं सारे। मनोज तिवारी कह रहे हैं, मनोज तिवारी जी जाके अपना डीएनए टेस्ट करा के आए, मनोज तिवारी जी जाके अपना डीएनए टेस्ट करा के आए, उसके बाद जवाब दूंगी मैं उनकी बात। कर रहे हैं बीजेपी के नेता, क्या हो गया है ये आप देखिए, कॉमेडियन है ना, कॉमेडियन है ये। बीजेपी की नेता के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, अभद्र भाषा का प्रयोग, कॉमेडी करना, सच बोलने वालों के घर पे ईडी का छापा करवाना, सच बोलने वाले की सदस्यता रद्द कराना, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कराना, झूठे प्रकरण लगवाना, हमारी आवाज को दबाना, बीजेपी के पास ये काम रह गया। 2024 में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? बिल्कुल, जनता करेगी। ये तो कह रहे हैं कि पहले से मोदी जी अपने आप को पीएम घोषित कर लिए 2024 का, वो तो पहले भी कर लिए थे, मोदी जी ने सब खरीद रखा है भैया, तो इसलिए कॉन्फिडेंट है वो। हम तो जनता के भरोसे है भैया, जनता हमको चुनेगी तो भी हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, जनता हमको नहीं चुनेगी तब भी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। अमित शाह ने कल ही कहा कि 11 तारीख को आइए बातचीत कीजिए राज्यसभा में,
लेकिन आप लोग तैयार नहीं, आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि आप लोग बहस कर सके उस पर। किसने बोला हमारे पास इतने मुद्दे हैं, वो कभी सामने आते ही नहीं है। आप क्या बता रहे हैं, नीचे सड़क, किसान, मजदूर, महिला, युवा, महिला हिंसा, मणिपुर, और क्या जानना चाहेंगे आप? और कितने मुद्दे बता दूं, बचा क्या, पूरा देश कवर हो गया। वे लोग 9 साल से सत्ता में है और आप उंगली जब गिना रहे, 3-4 मुद्दे गिना रही हैं आप। 3-4 मुद्दे नहीं गिना रही हूं भैया, भर भर के मुद्दे। नहीं, फोन बंदने दीजिए आप, फोन बंद कर लीजिए, हमें प्रॉब्लम है। 3-4 मुद्दे नहीं है, मुद्दे भर भर के मुद्दे हैं। आप जितने दिखाने चाहोगे मीडिया में उतने ही दिखेंगे, आप दिखाना नहीं चाहते हो, इसलिए लड़ाई लड़ती है। स्मृति ईरानी संसद में बड़ा आक्रोश दिखा, हाँ संसद में आक्रोश फोटो दिखा के, मीडिया में दिखा के आक्रोश दिख जाता है उनका। आए जरा यहाँ पर भी, जरा एक दो बैरिगेट्स कूदे। डायन बताए सिलेंडर लेके आए, वो सिलेंडर का रेट, मेरे को तो सिलेंडर खरीदना है स्मृति जी से। भैया महंगाई जो चरम सीमा पर है आज, स्मृति जी सिर्फ वहाँ पर, मैं बोलूँ संसद में डायन डांस बंद कर दे, वो जरा सड़कों पे आकर डायन डांस करे। भाजपा में भी कई महिलाएं हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, लेकिन जो मणिपुर की घटना हुई और भी घटनाएं हो रही हैं, बोलती नहीं है। बोलेंगी कैसे जब उनकी सरकार पूरी भ्रष्ट है, उनके पास कोई जवाब, भैया किसी के पास कोई जवाब देने के लिए होगा तब तो वो आके जवाब देंगी ना। उनके पास किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं है, संवेदना उनकी खत्म हो चुकी है। आज संवेदनशील महिला है वो, खुले शब्दों में मैं ये कहती हूँ, कुछ भी दुनिया में होता है, ये पेड़ का पत्ता भी गिरेगा तो राहुल गांधी जी की वजह से पत्ता गिर गया, स्मृति जी ऐसा कहती है। मैम आप ये कह रहे हैं कि राहुल जी को कोई सत्ता का लालच नहीं है? बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री बनने का कोई लालच? कोई लालच नहीं है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री आपके? वो जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। जनता क्या तय करेगी? जनता तय करेगी। भाई साहब कौन होगा? भाई साहब देखिए, हमारे, मैं पीएम की बात नहीं कर रही हूँ, पर मैं ये बात कर रही हूँ, हम युवाओं का चेहरा तो राहुल गांधी था, है और रहेगा। अच्छा, पीएम का चेहरा करूँ? पीएम का चेहरा तय करने की मेरी औकात नहीं है भैया, ये जनता तय करेगी, मेरी औकात नहीं है पीएम का चेहरा बताने की। मैडम बीजेपी वाले कह रहे हैं कि युवा होने की उम्र क्या होती है? भैया आज वो आदमी भी क्यों, जब 50 साल को युवा, भैया मैं आपकी बात का बहुत अच्छा जवाब दे रही हूँ, राहुल जी 50 साल के तो वो युवा है, और मोदी जी तो अभी भी अपने आप को युवा मान रहे हैं। अमित शाह तो नहीं मानते, अलग चीज़। अमित शाह मान रहे हैं, कैसे बोलते हैं, बिल्कुल युवा है, बिल्कुल युवा है, 50 साल का बिल्कुल युवा है। जो आदमी सड़कों पर बिना गर्म कपड़ों के पैदल चल रहा हो, लगातार पैदल चल रहा हो, वो युवा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं बॉडी बनाई है पूरी युवा यात्रा में। अच्छा, बीजेपी वाले को बॉडी, और योगा में क्या बनाते हैं, जो योगा दिवस मनता है, वो तो फिट रहने स्वच्छता अभियान, कितने फिट हैं उन लोग, योगा में क्या मना रहे हैं वो लोग। हास्यप्रद बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है भैया, कॉमेडी शो चला रही है भाजपा सरकार, फालतू के मुद्दे लाती है। राहुल जी के पास जवाब, राहुल जी को किसी भी मुद्दे पे घेरने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस तरीके के हास्यप्रद बातें करती है भाजपा। कांग्रेस का नेता राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके आदरणीय हमारे अध्यक्ष, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, और युवाओं के हमारे नेता, हमारे कांग्रेस पार्टी के गांधीवादी, हमारा चेहरा राहुल गांधी। राहुल गांधी से कम उम्र का कोई सांसद नहीं है। पीएम का चेहरा कौन है? पीएम का चेहरा बताने की भैया हमारी औकात नहीं है, जनता की है, जनता तय करेगी, ये मैं, मेरा तय करने की औकात नहीं है, ये जनता तय करेगी पीएम का चेहरा कौन होगा।